नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर का है उसको लेकर, यानी उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या कोर्स होंगे और कितने कितने नंबर का आता है, सारी चीज़ें, यानी इन सभी चीज़ों में आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो उसी को दूर करने के लिए हम एक वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट लिस्ट। देखिए, बीएससी एजी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर इसमें क्या पढ़े, कैसे पढ़े 2023-24 सत्र का, इसमें हम आप लोगों को, यानी देखिए इसमें बस हम सब्जेक्ट लिस्ट देखेंगे, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके कितने कोर्सेस आपको पढ़ने हैं, कितने क्रेडिट का है, प्रैक्टिकल होगा या थ्योरी होगी या दोनों होगा, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम सिलेबस जो है उसको हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए सेमेस्टर वाइज कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोस्तों जो सिलेबस है यही सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, यूपी कैडेट की यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या IRI या DTU, सभी यूनिवर्सिटीज़ में, या ये होगा कि यानी कोड इधर उधर हो जाएगा लेकिन जो सब्जेक्ट्स और कोर्सेज हैं वो यही होते हैं सारी जगह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेमेस्टर फर्स्ट में यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये नहीं होगा जैसे हमारा कक्षा 12 तक जो था, यानी इंटरमीडिएट तक आपको सब्जेक्ट पढ़ना था, एग्रोनॉमी, इंग्लिश, एक्सटेंशन तो था ही नहीं, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, इसमें आपको एक एक सब्जेक्ट पर दो या उससे अधिक कोर्स पढ़ने हैं। देखिए जैसे एग्रोनॉमी के यहाँ पर दो कोर्सेज दिए हैं, वैसे ही यहाँ पर आपके एक्सटेंशन के भी दो कोर्सेज दिए होंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में दिए हुए हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और देखिए एग्रोनॉमी में दो सब्जेक्ट, यानी एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको दो कोर्स पढ़ने हैं, पहला है जिसका कोड है AGR 101 का, AGR का मतलब है एग्रोनॉमी 101, वन मतलब होता है फर्स्ट ईयर और दूसरा वन मतलब का फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें पहला है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कृषि सस्य विज्ञान के आधारभूत तत्व, यानी जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें जो है आपकी क्लियर की जाएंगी। इसमें से ज़्यादा अगर इंटरमीडिएट यानी 11th-12th एग्रीकल्चर से आपने किया है तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा आप रैंक गेन करेंगे। ये 4 क्रेडिट का होता है, 3+1 इसमें क्रेडिट। देखिए क्रेडिट आवर्स इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है देखिए जैसे एक वीक में, एक सप्ताह में आपकी, यानी रविवार को हटा दिया जाए, 6 दिन क्लासेस आपकी अरेंज होती हैं, उसमें आपको सभी मिलाकर 4 घंटे आपको एग्रोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, देखिए उसके पास एग्रोनॉमी का दूसरा कोर्स है एग्रीकल्चरल हेरिटेज, इसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज, इसमें इसका 102 हो जाएगा और इसमें 1+0 का क्रेडिट आवर्स होता है। इसमें इसका मतलब होता है कृषि विरासत, हेरिटेज का मतलब ही होता है विरासत, तो कृषि विरासत, इसमें आपको जो यानी प्राचीन समय की जो कृषि है उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है इंग्लिश, अब ये आपको बता दूं कि इंग्लिश सिर्फ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेगी, इसके बाद आपको कहीं भी इंग्लिश नहीं देखने को मिलेगा बीएससी एग्रीकल्चर में। इसका कोड है ENG 101 और इसका जो कोर्स यानी टाइटल है वो है कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इसका क्रेडिट 1+1 का होता है। फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जब आप क्लास करेंगे अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या जब मैं अपने चैनल पर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा एक्सटेंशन का, तो आप उसमें देखना, बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको जैसे मोटिवेशन जो होता है, उस जिसको हिंदी में अनुप्रेरणा कहते हैं, उसके बारे में, पर्सनालिटी के बारे में आपको पढ़ना होता है और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है, ये आपके जो सामान्य जीवन होता है उससे रिलेटेड है। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन के दो कोर्सेज हैं, पहला तो है यहाँ पर रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें 2+0 का होता है क्रेडिट आवर्स। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का EXT 102, यानी एक्सटेंशन 102 इसका आपका, इसमें जो है देखिए इसे दूसरा कोर्स है एक्सटेंशन का, इसमें आपको ह्यूमन वैल्यू, ठीक है,
ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स, ये आपको पढ़ना है, जिसको आप कह सकते हैं ह्यूमन वैल्यूज इथिक्स, ये आपको पढ़ना होता है इसमें। और इसका भी क्रेडिट जो है वो आपका 1+0 का होता है। देखिए एक्सटेंशन आपको सारे यानी जितने सभी सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, और एग्रोनॉमी भी, और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सभी आपको सारे सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से देखें आप, यहाँ पर आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग GBP 101 होता है। इसमें फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स यानी उसके बेसिक तत्व जो है जेनेटिक्स के, अगर इंटरमीडिएट में आपने जेनेटिक्स पढ़ा है तो उससे आपका काम नहीं चल पाएगा, ठीक। यानी अगर आप बायोलॉजी से इंटरमीडिएट किए हैं तो आपका काफ़ी हद तक सही हो जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर से या मैथ से आप किए तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, यही सब्जेक्ट्स हैं बैक लगाने वाले। जेनेटिक्स जो होता है वंशागति, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। इसकी भी क्लासें हम प्रॉपर एक क्लास लाएंगे, उसमें हम जेनेटिक्स अच्छी तरह से आपको डिस्कस कर देंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें 2+1 का क्रेडिट सिस्टम होता है। और हॉर्टिकल्चर में HOR 101, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें आपका 1+1 का। फिर सॉइल कंजर्वेशन, इसमें SCW 101 का कोर्स कोड होता है, और कोर्स टाइटल इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये होता है। और इसका क्रेडिट आप देख सकते हैं, क्रेडिट और 1+1 का। उसके बाद से आपका सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, तो मृदा विज्ञान जो है वो पढ़ना है, और कृषि रसायन विज्ञान, जिसके पिता JB लिबिग होते हैं, ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोज में बताया, वो आपको पढ़ना होगा। और जो ये भी मैंने आपको बताया कि मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस के दो भाग होते हैं, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में आपने अध्ययन यानी आपको करना होता है, जो सॉइल होती है उसमें, यानी उससे आपको पेडोलॉजी में जो भाग है सॉइल साइंस का, उसमें आपको पढ़ाया जाता है सॉइल की ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, यानी आप ओरिजिन यानी उसकी उत्पत्ति, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, यानी उत्पत्ति, वर्गीकरण और विवरण, ये मृदा के जो चीज़ हैं ये आपको पढ़ने होंगे आपको पेडोलॉजी। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपका बायोलॉजी या मैथ, इन दोनों में से आप एक चूज करते हैं, बायो 101, मैथ 101, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस होता है 2+1 का। आप देखिए बायोलॉजी जो है ये ले सकते हैं आप, या मैथ रख सकते हैं, इसमें 1+1 का क्रेडिट सिस्टम। उसके बाद से देखिए NSS NCC फिजिकल एजुकेशन, इसमें NSS NCC PHY EDU PHY EDU आप कह सकते हैं 101, और इसका कोर्स कोड यहाँ पर दिया तो गया है NSS NCC फिजिकल एजुकेशन 0+2 का। इसमें अब देखिए यहाँ पे टोटल 24 जो है क्रेडिट आवर्स दिया गया है, ठीक है, और टोटल यहाँ पर देखिए 24 घंटे, यानी 24 घंटे आपको एक सप्ताह में ये सब पढ़ना होगा, यानी एक दिन के बराबर। अब देखिए आप यहाँ पर 1 स्टार का मतलब होता है रेमेडियल, और 2 स्टार का मतलब होता है नॉन रेमेडियल। अब यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन, जैसा कि देखिए इंटरमीडिएट में भी, अब 11th 12th में भी आपको, अब आपको हो सकता है ना पता हो, लेकिन फिजिकल एजुकेशन नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसकी ना ही क्लास चलती है ना ही एग्जाम होता है, उसका नंबर यानी दे दिया जाता है, तो वही यहाँ पर भी इसकी ना क्लास होगी और इसका नंबर जो है आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको आप जरूर फॉलो करें। देखिए इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें। अब एक बात आपको बताऊं कि हमारे चैनल इसमें बहुत ही डाउनफॉल का सामना कर रहा है, हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो हैं उनमें यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जो उनकी क्लासेज में प्रोवाइड करा रहा था उसमें उन लोग को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और काफ़ी टाइम से मैंने क्लासेस प्रोवाइड करा दी तो बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं और रीच भी काफ़ी कम हो रही है हमारे चैनल की, तो आप चैनल को सपोर्ट करें। और आप हमें कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। देखिए ये तो बस था सब्जेक्ट लिस्ट का, अब आप कमेंट करें या नहीं करेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊँगा कि यानी ये जो सब्जेक्ट्स हैं 10-11 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट का मैं एक एक प्रॉपर सिलेबस आपको डिस्कस करूंगा
और उस सिलेबस में यानी जैसे आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में, एग्रीकल्चर हेरिटेज में, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है इन सभी सिलेबस में वो मैं आपको बताऊंगा। सभी सब्जेक्ट का ये 10 सब्जेक्ट हैं, 10ों की 10 क्लास में लाऊंगा जिसमें सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे। और सिलेबस की वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स भी मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, सिलेबस में डिस्कस कर देंगे हम। अब उसके बाद से आप ये जो है इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या ये पूरा यानी जो 85 पेज का पीडीएफ है आप डीडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिल लेते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।